हेलो गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम जो नई जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो आने वाली है उसके डुअल टोन वाले इंटीरियर्स स्पाई किए गए हैं। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ जो स्कॉर्पियो के इंटीरियर्स हैं उसको जो नई XUV 700 आने वाली है उसके साथ। देखेंगे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से। सो गाइज, इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बकवास के। सो गाइज, चलिए सबसे पहले बात कर ली जाए जो स्कॉर्पियो के इंटीरियर्स हैं उसके बारे में। इस स्पाई शॉट के अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल रहा है। वर्टिकली प्लेस्ड AC वेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, इसमें आपको डार्क ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वाले लेदर अपोल्स्ट्री देखने को मिल रही है। सो गाइज, ये कुछ ऐसी मेन चीज़ें थी जो कि हमें इस स्पाई शॉट के अंदर देखने को मिल रही हैं। गाइज, सेकेंड इमेज भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें स्कॉर्पियो का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो क्लोजअप लुक के साथ आप देख सकते हैं। गाइज, आपके क्या ओपिनियन है स्कॉर्पियो के इंटीरियर्स के बारे में मुझे नीचे ज़रूर बताइए। सो गाइज, ये तो बात हुई स्कॉर्पियो के बारे में। अब अगर XUV 700 के इंटीरियर्स के बारे में कुछ बात करी जाए तो यहाँ पे स्पाई शॉट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है वो इसका सबसे मेन फोकस है, जो कि आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल होने वाला है वो एक ही यूनिट आपको मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम इसके इंटीरियर्स को बनाएगा। और यूजुअली अगर देखा जाए तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम कार्स के अंदर देखने को मिलता है ऐसी चीज़। गाइज, इसके अलावा अगर आप इसमें जो अपोल्स्ट्री यूज़ की गई है वो देख पा रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो फैब्रिक वाली अपोल्स्ट्री यूज़ की गई है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम देखने में लग रहा है। ये भी हो सकता है कि ये टेस्ट म्यूल है तो इसको चेंज किया जाए, होपफुली लेदर यूज़ किया जाए इसकी जगह पर। लेकिन जो भी है, मुझे तो ऐसे ही ये स्कॉर्पियो के अपोल्स्ट्री से ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो गाइज, अब जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं इसमें जो दोनों ही सीट्स के बीच का पोर्शन होता है वो भी काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है XUV 700 में। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया सा फिनिश दिया गया है और यूजुअली ये चीज़ें हमें काफ़ी हाई एंड कार्स में देखने को मिलती हैं। सो गाइज, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है कि अंदर से और बाहर से दोनों ही जगह से स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है XUV 700। सो गाइज, ये था एक क्विक ओवरव्यू जिसमें मैंने आपको नई जनरेशन स्कॉर्पियो और XUV 700 के इंटीरियर्स के बारे में कुछ डिटेल्स दी। आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी के इंटीरियर्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ़।